खौटा जिन लोगों ने ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रेजुएशन सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 9 आपका किस टाइप से आता है। इससे पहले हम लोगों ने कोर पेपर 8 को देख चुका था, अब देखते हैं कोर पेपर 9, ठीक है। तो सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 8, 9, 10 तीन पेपर होंगे आपके कोर। तो देखते हैं, यह पेपर आपका 2021 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स आपके 80 होते हैं एंड आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विश्वविद्यालय से क्वार्टर ऑनर्स कर रहे हो, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑल ओवर झारखंड में क्वार्टर का सिलेबस एक है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है, ग्रुप ए बी सी करके 3 खंडों में बांटा गया आपके पेपर को, ठीक है। ग्रुप ए बी सी करके 3 खंडों में बांटा गया है। ग्रुप ए जो कि आपका 40 मार्क्स का है और इसमें आपको देने हैं 4 प्रश्नों के आंसर। अभी मैं आपके मूल भाषा कोठा में आ जाऊंगा, मैं भी कोठा में ही बात करूंगा। तो देखा, देवल 4 में से कोनो 2 सवाल के जवाब दिए कौन, ठीक। देवल गेल कोनो 4 में से कौन के कोनो 2 सवाल के जवाब दिए है, जटा में प्रत्येक क्वेश्चन टा तोहिन कर 2×20 मतलब कि 20 अंक कर एगो क्वेश्चन टा 2 गो जवाब दे दिया तो 40 नंबर। एकर आंसर तोहनी जो लिख दिया ना उटा कम से कम रह चाहिए तोहिन के लगभग 600 शब्द। कितना शब्द? 600 शब्द मैंने रह चाहिए, क्या कि 20 नंबर का क्वेश्चन लागल तो 500 से 600 शब्द लिखे रहे तो अच्छा नंबर 18 नंबर 17 नंबर यदि लाने के लागन तो, ठीक है। 16 नंबर प्लस चाहिए तो 500 से 600 के बीच लिखे लेतन। आओ देख कैसन क्वेश्चन पूछा है। तो देखा, पहला क्वेश्चन जो पूछल गया है कि खोरठा पैध साहित्य के काल विभाजन सीमांकन साहित्यकार बी एन अवतार जी मत विचार के लिखा। अखिनकर मत विचार की होल, ठीक है, खोरठा अगर काल विभाजन में उठा के बताना हन। 2 नंबर है, खोरठा पैध साहित्य के काल विभाजन आदिकालिक ऊपर देवल साहित्यकार एके झा आर दिनेश दिनमणि जी मत विचार के लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 भाई गले, केवल 2 गो प्रश्न के जवाब दिए कौन, यहाँ का 4 गो ऑप्शन में दिया गया है, 4 में से कौन 2 के जवाब दिए है। 3 नंबर का पूछल हल कि खोरठा पैध साहित्य के काल विभाजन मध्य काले ऊपर देवल साहित्यकार कृष्ण चंद्र दास आला जी मत विचार के लिखा, ठीक है। 4 नंबर है, खोरठा पैध साहित्य के काल विभाजन ने बंसीलाल बंसी जी देवल मत विचार के लिखा। विशेष रूप से काल विभाजन के बारे में तो इनके टैग में पढ़ के जाना हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन जरूर पूछते, ठीक। तो इटा भाई गया एगो टॉपिक। आवा देखो ये 2 नंबर, तो 2 नंबर में बोलल गया है ग्रुप बी जटा के खांधा खो को है, ये हिया करी तो इनके कोनो 2 प्रश्न के जवाब दिए है, 3 गो क्वेश्चन हो, 3 गो में से कोनो 2 के जवाब दिए है और क्वेश्चन डाला है 10-10 नंबरिया, ठीक है। 2 गो जवाब दे दिया तो 20 नंबर, खांधा बी जे लाइक ग्रुप बी इटा लगन 20 नंबर कर, ठीक है, और ग्रुप सी टा रोकन 20 नंबर कर। देखा, 10 नंबर पर क्वेश्चन लाग तो तोहिन के जवाब दिए है इटा के लगभग 300 शब्द में, कितना शब्द? 300 शब्द में। तो इतना टी लिख ले भैया आराम से, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। 5वां क्वेश्चन टा हल है कि खोरठा साहित्य कर विकासक लेता रे रचनाकार शिवनाथ परमानी जी जीवन परिचय के उखरावा। कुल मिलाकर शिवनाथ परमानिक जी खोरठा में की योगदान है अखन तक वहाँटा के बखान करे कौन ईटा में, ठीक है। आगे बढ़े देखल जाए तो खोरठा क्वेश्चन 6ठा पूछल रहा है कि खोरठा साहित्य कर विकास लेता रे रचनाकार सुकुमार जी के जीवन परिचय उखरावा। देखा, तोहिन के 2 गो याद करके जाना हो जीवनी, ठीक है, 2-3 गो, काहे कि 2 गो जीवनी पूछबे करतन कोनो लेखक कर। आगु है खोरठा साहित्य कर विकासक लेता रे श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन परिचय उखरावा, और श्रीनिवास पानुरी के अवधि खोरठा में ना लिख पा रहे ना तो की कह दे खोरठा भरल बेकार तो इनकला श्रीनाथ परमानिक जी के याद करे के चाहिए, ठीक है। आगु देखिए ग्रुप सी, ग्रुप सी में ने खांधा गो कहल जाए ईटा में तोहिन के देवल 10 वस्तु नीट मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो 10 गो, और 10 गो क्वेश्चन टा प्रत्येक लगन 2 नंबरिया, 10 गो बना भी तो 20 नंबर मिलते, ठीक ना। अब आवाज देखा जाए कि कैसन क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा,
चार गो ऑप्शन है उटा में एगो सही टाके चुने खन। पहला है खोटा भाषा साहित्य धुरंधर विद्वान कहल जा है। ककरा धुरंधर विद्वान कहल जा है? तो एके झा जी के, बी एन ओहदार जी के, ऑप्शन सी है शिवनाथ प्रमाणिक जी के, या दिनेश दिनमणि जी के। ठीक है, चार गो में से चुने खन कौनटा लाए। और आंसर हमें नहीं बतावन, आंसर तो तोहिन करे अपने खुद से प्रैक्टिस करे खन, काहे कि हम जानबे नहीं घर है, झूठ के लिए बोलबन तोहिन से। हमें करल होली ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एम ए में खोटा ले लिए। तो चला देखल जाए, ख नंबर है खोटा भाषा साहित्य लेखन के शुरुआत मानल जा है। ककरा मानल जा है? 1600 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, या 1900 ईस्वी ले, कबे ले मानल जाए उ टके ईस्वी टके टिक कर देना हन, वहाँ कर लिख देना हन कॉपी में ने। ग नंबर है खोटा भाषा साहित्य कर विकास यात्रा के कते काल खंड बाँटल जा है। तो बताए दाग, दू गो, चार गो, तीन गो, चाहे छ गो, कै गो भेव है? क्या नींद लगे लग है की जो कहियो तो इनके बड़ी मेहनत है। यूट्यूब में कोनो भी चीज कर भैया तो मेहनत बहुत है, उटा में अगर धुरंधर बने के लगन तो अपन फील्ड में मेहनत करा एकदम। घ नंबर है साहित्यकार कृष्ण चंद्र दास आलाजी मते सबले शुरुआत काल खंड के कहल जाए। ठीक है, कैसन कहल जाए? प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्य काल, चाहे गोड़ाक पहर, कौन डा कहल जाए? शिवनाथ प्रमाणिक जी, सॉरी कृष्ण चंद्र दास आला जी कर मते, माफ करिया कहीं कहीं गलत बोल दें, लेकिन उठा के सुधराई करो कोशिश कराइए। अंग नंबर है साहित्यकार एके झा कर मत, मतलब अजीत कुमार झा कर मत है सबले शुरुआत काल खंड कहल जाए। ककरा कहल जाए? यार आज काफी ज्यादा ही डगर आ रहा है। आदिकाल के, मध्य काल के, आधुनिक काल के, चाहे वर्तमान काल के, चार गो में से कौन सा सही लाए बता दिया कोई। आगु नंबर देखल जाए तो छ नंबर इटा में क्वेश्चन पूछा है कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी पूरा नाम लाए, गिरधारी गोस्वामी रचनाकार लगे कौन टा लगे? बांग्ला साहित्य, खोटा साहित्य, आगु दिखाई जाए तो यहाँ करिए नागपुरी साहित्य के, चाहे कुड़माली साहित्य, कौन टा राइट आंसर बतन बता दिया, आगु बाटे देखा जाए। ठीक, तो छ नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साहित्यकार दिनेश दिनमणि जी के मते खोटा साहित्य के कते कालखंड में बाँटल गया है? दू गो, चार गो, छ गो, चाहे तीन गो, आगू देखल जाए। सातवां नंबर, आठवां नंबर क्वेश्चन जे जो कह है साहित्यकार कृष्ण चंद्र दास आला जी के मते साहित्य रचना कर सबले शेष काल खंड कहल जाए। ककरा कहल जाए? शुरुआती पहर के, मध्य पहर के, गोड़ाक पहर के, ना आबगा पहर के। आगू देखल जाए तो है झ नंबर, झ नंबर की पूछो है कि साहित्यकार बी एन ओहदार जी के मते आधुनिक कालखंड बाँटल गया है कितना में? देखा सब कर मते कितना कितना में बाँटल गया याद कर लिया, बहुत जरूरी लाए कालखंड पेपर खातिर को और पेपर नाइन खातिर, 3, 6, 4, 8। ठीक है, आगू देखल जाए तो दसवां क्वेश्चन पूछल गया है कि बी एन ओहदार जी के मते मत अनुसारे आधुनिक काल के विभाजन सबले शेष कालखंड के मानल गया है कबे? यार इतना आलस आ रहा है ना, नींद आ रहा है पूरा जोर से। तो कबे मानल गया है? 1900 से एखन तक, ना 2000 से एखन तक, ना 1800 से एखन तक, ना 1700 से एखन तक, कौन सा सही है? तो इन अपन तैयारी कर लिया, हम क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल यात्रिकाएं देते रहोन। ठीक है, तो चला फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे झारखंड वासियों। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगा, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट हो तो कीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का अप्लाई दूंगा, क्योंकि यार आप मेरे भाई बंधु हैं, आप ही से मेरा क्या बताएं, हम सभी एक हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, नारा है हम लोग झारखंड वासियों का फेमस ना, चलिए ऑल द बेस्ट।